हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल ट्रैक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोड के स्लोप के कैलकुलेशन के बारे में। दोस्तों आपने रोड देखा होगा तो हमारा जो रोड होता है ना, वो हमारे रूम के सरफेस की तरह नहीं होता है। जैसे हमारे रूम का सरफेस का लेवल हर जगह सेम होता है, तो दोस्तों रोड के केस में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों रोड के सरफेस में जो बीच का लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर होता है और जो साइड का लेवल होता है वो थोड़ा डाउन होता है। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी सीधा ड्रेन में चला जाए, रोड पे जमा ना हो, क्योंकि रोड में दोस्तों साइड में ड्रेन भी दिया जाता है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों हमारे जो रोड का स्लोप होता है ना, वो ड्रॉइंग में या तो परसेंटेज में दिया होता है या फिर रेशियो में दिया होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसको एमएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि रोड के किस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो आपको दोस्तों समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मैंने रेड से मार्किंग की है, दोस्तों इसको हम कैम्बर बोलते हैं और इसी में हमको स्लोप मेंटेन करना होता है और इसी में दोस्तों हमारा ट्रैफिक भी चलता है। और ये जो बीच में आप पोर्शन देख रहे हैं ये बेसिकली प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसको दोस्तों हम मीडियन बोलते हैं और साइड में दोस्तों हमारा ड्रेन होता है। तो दोस्तों आइए मैं अब आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। आप ड्राइंग में देखोगे कि स्लोप किस तरीके से ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, ये एक्चुअली दोस्तों हमारे एक स्ट्रक्चर की ड्राइंग है। और दोस्तों पॉइंट वाली बात ये है कि इस स्ट्रक्चर की जो छत है जिसको हम स्लैब बोलते हैं दोस्तों, वो एक्चुअल में हमारे रोड का कैम्बर है। इसलिए दोस्तों हमको इस स्ट्रक्चर की छत में स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एक्चुअल में ड्राइंग में स्लोप कैसे मेंशन किया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा सेक्शन है और ये जो दोस्तों है हमारा 17 मीटर 500 ओवरऑल विड्थ, यही दोस्तों हमारे रोड का कैम्बर है। और बीच वाला जो पोर्शन है 12 मीटर 500, वो हमारा मीडियन है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बोथ साइड में जो हमारी 17 मीटर 500 वाली रोड की कैम्बर है, बोथ साइड में 2-2% स्लोप प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों ड्राइंग में स्लोप ऐसे ही मेंशन किया जाता है, या तो परसेंटेज में रहेगा या फिर कहीं कहीं आप देखोगे कि रेशियो में मेंशन किया होगा, रेशियो में स्लोप दिया होगा। तो दोस्तों आइए हम अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसको हम एमएम में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने हूबहू वही ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ किया है जो कि हमारा ड्राइंग में दिया हुआ था। तो सारी डिटेल दोस्तों आप देख सकते हैं, सारी मेज़रमेंट वही है, 17 मीटर 500 बोथ साइड हमारी कैम्बर है जिसमें हमको 2-2% स्लोप प्रोवाइड करना है और 12 मीटर 500 की हमारी मीडियन है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी 3 मीटर जो है ये हमारी वेंट हाइट है। दोस्तों वेंट हाइट क्या होती है, आइए मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर ड्राइंग की तरफ ले चलता हूँ और आपको अच्छी से समझाता हूँ कि हम वेंट हाइट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे ड्राइंग का क्रॉस सेक्शन है और बात करें वेंट हाइट की, तो स्लैब बॉटम से लेके राफ टॉप तक की हाइट को दोस्तों हम बोलते हैं वेंट हाइट। जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं 3000 mm दिया हुआ है। दोस्तों जो ये आपको हाइट दिख रही है ये 3 मीटर वेंट हाइट ही है हमारी। और इसके लेफ्ट जाएंगे और राइट में जाएंगे जहाँ पे हमारा कैम्बर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ की हाइट दोस्तों आप देख सकते हैं नहीं दी हुई है, क्योंकि यहाँ की हाइट हमको तब पता चलेगी जब हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे रोड के कैम्बर की जो लेंथ है उसको लिख लेना है। जैसे देख सकते हैं हमारे कैम्बर की लेंथ है 17 मीटर 500, तो उसको लिख लें। उसके बाद जितना परसेंट आपको स्लोप प्रोवाइड करना है, जैसे हमारे केस में 2% स्लोप प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 लिख लेना है, जितना भी परसेंट आपके केस में हो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको 100 से डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 350 mm। तो दोस्तों ये जो हमारा 350 mm आया है, ये इस पॉइंट से ले करके यहाँ तक का हमारा स्लोप है। यानी कि दोस्तों अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमको 350 mm जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ की हमारी हाइट बन जाएगी 3 मीटर 350, ये वाली हाइट बन जाएगी हमारी 3 मीटर 350 mm। और यहाँ भी सेम बनेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों कैम्बर हमारा सेम है, इसलिए यहाँ की भी हाइट हमारी 3 मीटर 350 mm ही होगी। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा स्लोप आया था 350 mm का, ये हमारा 17 मीटर 500 की डिस्टेंस के लिए है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको साइड पे एग्जीक्यूट करने जाएंगे
तो पहला मार्क हम जीरो पे रखेंगे और दूसरा मार्क हम डायरेक्ट 17 मीटर 500 पे नहीं रखेंगे दोस्त। ऐसा हम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बेस्ट तरीका ये है हम एक एक मीटर की डिस्टेंस पर इंटरवल बना के स्लोप की मार्किंग करें, तो हमारा स्लोप जो है बहुत ही सटीक तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इसलिए दोस्तों हमको स्लोप को पर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले जो हमारा स्लोप है 350 mm उसको यहाँ पे लिख लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको डिवाइड करना होगा जो भी आपकी कैम्बर की डिस्टेंस है, जैसे हमारी है 17 मीटर 500, तो आपको 17 मीटर 500 से डिवाइड करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 350 तो mm में लिखना होगा, लेकिन जो आपके कैम्बर की डिस्टेंस होगी उसको मीटर में लिखना होगा। जैसे कि दोस्तों आप हमारे केस में देख सकते हैं हमने 350 को mm में ही लिखा है, और जो हमारी वैल्यू डिनोमिनेटर में है यानी कि हमारे कैम्बर की लेंथ उसको हमने मीटर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 mm। तो दोस्तों ये जो हमारा स्लोप आया है 20 mm, ये पर मीटर के लिए आया है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि अगर आप कैम्बर के लेंथ में किनारे से मीडियन की तरफ जाओगे तो आपको हर मीटर पे 20 mm प्लस करते हुए जाना पड़ेगा, और अगर आप मीडियन से किनारे की तरफ आओगे तो आपको हर मीटर पे 20 mm माइनस करते हुए आना पड़ेगा। और दोस्तों इस प्रोसीजर से हम हर मीटर पे मार्किंग करके स्लोप को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो रहा परसेंटेज में, हम इसी चीज़ को दोस्तों रेशियो में भी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपको किसी किसी ड्राइंग में स्लोप जो है हमारा वो रेशियो में दिया जा सकता है, इसलिए दोस्तों हमको रेशियो में भी देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाली ड्राइंग, सारे डायमेंशन वही है हमारी जो हमारे ड्राइंग की डायमेंशन है, सारी डायमेंशन यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे जो हमारा स्लोप है वो अब रेशियो में है 1:50। हो सकता है दोस्तों आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, 2:50 हो सकता है, या फिर 3:50, 3:100, 3:200, 2:500, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपको कैसे निकालना होगा स्लोप को, सबसे पहले आपको जो हमारे कैम्बर की लेंथ है यहाँ पे भी आपको सबसे पहले कैम्बर की लेंथ लिखना होगा, उसके बाद जितना भी आपका स्लोप हो, जैसे यहाँ पे 1:50 है तो यहाँ पे आपको 1/50 करना है, अगर 2:50 होता तो 2/50 करते, अगर 3:100 होता तो 3/100 करते। तो हमारे केस में 1:50 है दोस्तों, इसलिए हमने 1/50 किया हुआ है। तो दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 350 mm। दोस्तों मैंने जानबूझकर ही ऐसी वैल्यू ली थी कि हमारा जो आंसर है वो सेम ही है। दोस्तों आपके केस में कितना भी रेशियो का स्लोप हो, आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपना स्लोप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे, और बाकी की सारी चीज़ें वैसी सेम है दोस्तों। पर मीटर के हिसाब से अगर आपको निकालना है तो जो भी स्लोप हो उसको आप कैम्बर की डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका स्लोप जो है वो पर मीटर के हिसाब से आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको एग्जीक्यूट करने का तरीका मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ गई होंगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगती है, और हमारी उम्मीद यही रहती है कि हमारा जो वीडियो है वो कम से कम लोगों के सामने पहुँचे तो सही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।